अभी हम करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 98 और चैप्टर 7 है तुम्हारा कंपनी का और प्रोराटा का टॉपिक चल रहा है अभी लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 98 करते हैं और फिर देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 98 में पहले टास्क बना लेते हैं। टास्क बनाना काफी आसान होता है। तो मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ। भारत टायर्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स। ये तो शायद हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं 100 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 100 टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 100, थोड़ा सा लेंथी है। द डायरेक्टर्स ऑफ सुपर स्टार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर्स। पहले एक काम करते हैं, टास्क बना लेते हैं। यहां से देखो, इसमें लिखा हुआ है द डायरेक्टर्स ऑफ सुपर स्टार लिमिटेड, द डायरेक्टर्स ऑफ सुपर स्टार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर्स। उसने कितनी इनवाइट करी है एप्लीकेशंस? 2 लाख, मतलब 2 लाख शेयर्स उसने क्या कर दिए हैं, इश्यू कर दिए हैं। तो इधर लिख दो वो 2 लाख, 2 लाख शेयर्स इश्यू किए थे। आगे देखते हैं, ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम 20%। देखो, 10 रुपए का शेयर है, 20% के प्रीमियम पर। 10 का 20% तुम्हें मालूम ही है, 10 का 20% होता है 2 रुपए, मतलब हर एक शेयर पर उसने कितने रुपए मांग लिए हैं, 2 रुपए। तो 2 रुपए का प्रीमियम उसने मांगा है हर बार। आगे बढ़ते हैं, द मनी पेबल ऑन शेयर इज ऑन एप्लीकेशन पर मांगे 5 रुपए, तो एप्लीकेशन पर आ गए 5 रुपीज। ऑन अलॉटमेंट फोर, अलॉटमेंट पर कितने मांगे हैं, 4 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2, 2 रुपए का प्रीमियम इसमें शामिल है। बताओ, 4 रुपए अगर अलॉटमेंट पर मांगे और 2 रुपए का प्रीमियम शामिल है, तो इस फोर को मैं ऐसे लिखूंगा ना, 2+2 करके, प्रीमियम वाला पैसा या डिस्काउंट वाला पैसा नीचे आ रहा है हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एट फर्स्ट कॉल 2 एंड फाइनल कॉल ₹1। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए मांगे, फाइनल कॉल पर 1 रुपीज मांग रहे। तुम देख सकते हो पर टोटल कितना बन रहा है, 5, 2, 2, 1, टोटल बन रहा है 10 का। हमेशा ऑफर का टोटल एक्चुअल होता है। ठीक है, और तुम्हें मालूम ही है एक्चुअल प्राइस कितना बताया था क्वेश्चन ने, 10 रुपए का, तो एक्चुअल ठीक बैठ रहा है। आगे कैटेगरी है, एप्लीकेशंस वर रिसीव 2,40,000। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, 2,40,000 की एप्लीकेशंस रिसीव हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं, एंड अलॉटमेंट वॉज मेड एज, और अलॉटमेंट कुछ इस तरह से की गई है, टू एप्लीकेंट्स ऑफ 1 लाख शेयर्स इन फुल। 1 लाख के एप्लीकेंट्स थे और उनको हमने फुल दे दिया। फुल का मतलब है 1 लाख के एप्लीकेंट्स थे, तो शेयर्स भी कितने दे दिए होंगे, 1 लाख। तो 1 लाख के एप्लीकेंट्स को 1 लाख शेयर्स मिल गए। ये बन गई तुम्हारी कैटेगरी फर्स्ट। तो देखो, बैलेंस रह गया 1,40,000 इधर, दो में से एक गया, 1 लाख का बैलेंस इधर रह गया। अब देखते हैं आगे का क्या करवाया उसने। आगे लिखा हुआ है, टू एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स 60,000, मतलब 80,000 एप्लीकेशंस को हमने 60 में निपटा दिया। तो 80,000 एप्लीकेंट्स इधर, 60 में निपटाया, तो इधर ये बन गई कैटेगरी 2। ये बच गया तुम्हारा 60,000।
और यहां पर शेयर्स बच गए 20,000। आगे देखते हैं लास्ट में वो कह रहा है 60,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स दिलवा दिए। 60,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स दिलवा दिए, सॉरी ये 40 बचेगा, मतलब यहां पर उन्होंने प्रोराटा लगवा दिया है कुल मिला। तो यहीं पर कैटेगरी फाइनल होगी थर्ड। 60 को 40 दिलवाए थे लास्ट वाले में, तो देखो 60 और 40 का ही बैलेंस बच रहा था हमारा। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो आगे के पार्ट में लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स ऑफ 1000 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी वन। 1000 शेयर्स का कोई एप्लीकेंट था जो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? फर्स्ट से। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एप्लीकेंट्स ऑफ 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स का एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, फॉलिंग इन कैटेगरी वन, जो किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? फर्स्ट वाली कैटेगरी में, ठीक है। एंड एप्लीकेंट्स ऑफ 1200 शेयर्स, और कुछ एप्लीकेंट है 1200 शेयर के, फॉलिंग इन कैटेगरी टू, जो कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? टू में। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, ये अलॉटमेंट मनी देने से फेल हो गए। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑन फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल। फिर इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया है जबकि ये फर्स्ट कॉल पर भी फेलियर रहे। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑन फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल ना देने पर इनको फॉरफिट कर दिया गया है ना। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑन फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल। इन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी है, मतलब लाइन लटकेगी अलॉटमेंट पर भी और लाइन लटकेगी फर्स्ट कॉल पर भी, तो नाम वगैरह तो दे नहीं रखे, तो मैं ABC दे दूंगा। देखो अलॉटमेंट पर भी फेलियर थे, फर्स्ट कॉल पर भी फेलियर थे, ये दोनों के दोनों। लेकिन ध्यान रखना ये दोनों एप्लीकेंट्स बताए गए हैं ना कि अलॉटेड बताए गए हैं, और हमें काम करना होता है अलॉटेड के लिए ना कि एप्लीकेंट्स के लिए। तो पहला काम है इन एप्लीकेंट्स को किस में बदलना है? अलॉट में, और अलॉट में बदलना आसान है। देखो ये कैटेगरी वन का है तो पहले कैटेगरी वन को देख लेते हैं। देखो 1 लाख एप्लीकेशन को 1 लाख शेयर मिले, 1 लाख एप्लीकेशन को 1 लाख शेयर्स अलॉट किए गए, ठीक है, मतलब इतनी की एप्लीकेशन पर इतने अलॉट कर दिए गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एक एप्लीकेशन को इतने मिले होंगे, 1 लाख अपॉन में 1 लाख, है ना, एक एप्लीकेशन को इतने मिले होंगे, पूरे कट गया, बंद आएगी। तो बताओ 1000 एप्लीकेशन को कितने, जब 1 लाख एप्लीकेशन को 1 लाख मिले तो 1000 एप्लीकेशन को कितने मिले होंगे? 1000 मिले होंगे, बराबर चल रहा है। देखो 1 लाख को 1 लाख मिले, 5 लाख को 5 लाख मिले, 1000 को 1000 मिले, ठीक है। तो ये जो ए बंदा था इसको 1000 ही दिए गए, ये फेलियर निकला। हाँ इसमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? टू से, और टू में ये हिसाब नहीं है, टू का हिसाब अलग है। 80,000 एप्लीकेशन को 60,000 अलॉट किए गए, देखो बोर्ड पे 80,000 एप्लीकेशन को 60,000 अलॉट किए गए, हमेशा कम होते हैं ज्यादातर। तो देखो एक एप्लीकेशन को इतना अलॉट किए गए होंगे ना, 60,000 अपॉन में 80,000, 80,000 एप्लीकेशन को जब हमने 60,000 दिए तो एक एप्लीकेशन को इतने दिए, अगर एक एप्लीकेशन को इतने दिए तो 1200 को इतने दिए, मल्टीप्लाई दे दो 1200 से। तो देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो गई, 1 जीरो से ये गया, ठीक है, और तुम्हारा 4 2 8, 4 3 12 जीरो, और ये बच गया 2 3 6, 13 × 13 900, यानी कि बी बंदा जो आ गया है उसके 900 शेयर थे, ये फेलियर निकला, और ये दोनों फेलियर फर्स्ट कॉल पर भी बने रहे। लेकिन ध्यान रखना ये फर्स्ट कैटेगरी का था, ये सेकंड कैटेगरी का, ये बात ध्यान रखनी, ये फर्स्ट कैटेगरी ये सेकंड कैटेगरी, ठीक है। हाँ अब इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया है तो लाइन आएगी ऊपर से, तो ए फर्स्ट कैटेगरी वाला और बी सेकंड कैटेगरी वाला, नीचे लिख देना एफ एफ।
शेर से लिखने की जरूरत नहीं है, शेर तो हमने लिखे दिए हैं वरना हिचकिच हो जाएगी काफी। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। होल्डर ऑफ 1200 शेयर्स, कोई होल्डर था 1200 शेयर का, देखो इसने होल्ड कर रखे थे ये शेयर्स, मतलब ये तो अलॉटेड ही है। जब कोई बंदा किसी शेयर का होल्डर होता है इसका मतलब ये कि उसके पास ये शेयर्स थे, उसने ये अलॉट किए हुए थे, ठीक है। होल्डर्स ऑफ 1200 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी थर्ड, लेकिन ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, थर्ड कैटेगरी से, फॉलिंग इन कैटेगरी थर्ड। फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये भी फर्स्ट और फाइनल कॉल देने से फेल हो गया। एंड दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल, और फिर उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया गया है फाइनल कॉल के बाद, फाइनल कॉल के बाद हमने उसको फॉरफिट कर दिया गया है। लेकिन देखो ये बंदा जो था तीसरी कैटेगरी का जो बिलोंग करता है 1200 शेयर का, ये फर्स्ट कॉल पर भी फेलियर रहा है और फाइनल कॉल पर भी फेलियर रहा है, तो दोनों पर लाइन लटकेगी। पहले तो फर्स्ट कॉल पे लटका दो, सी दे दो उसको नाम, और ये थर्ड कैटेगरी का था तो थ्री, और 1200 शेयर इसको अलॉट किए गए थे और ये फेलियर निकला, ठीक है। और ये फेलियर बना हुआ था फर्स्ट फाइनल कॉल पर भी, तो फाइनल कॉल पर भी सी रहा 1200 शेयर का, अब फेलियर रहा, ठीक है। अब इसे फॉरफिट कर दो, तो बस इतना लिख देना सी थर्ड एफ एफ, फॉरफिट करेंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टास्क को देखकर ही पता चल रहा है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। पहले टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, रिजेक्ट या एडवांस कॉलम भर लेते हैं अगर कुछ है तो। तो देखो अब टास्क कंप्लीट करते हैं इसमें आगे का, रिजेक्ट तो कुछ हुआ नहीं है तो रिजेक्ट कॉलम में कुछ नहीं आएगा, एडवांस में देख लेते हैं। देखो 80,000 को 60 मिले, 20,000 की एप्लीकेशन एडवांस है और एप्लीकेशन पर ₹5 मांगे। देखो 80,000 एप्लीकेंट्स को 60,000 शेयर मिले, पूरे कितना एडवांस एप्लीकेशन आ गई 20,000 की एडवांस में आई हुई है, 5 के हिसाब से बन जाएगा 20,000 का 5 के हिसाब से 1,00,000। ये अलॉटमेंट का एडवांस है लेकिन ये कौन सी कैटेगरी का है, नंबर टू। अब अगला देखो 60,000 एप्लीकेशन पे 40,000 ही शेयर दिए, फिर से 20 का एडवांस है, एप्लीकेशन पर मांगे 5, तो मैं सीधा लिख दूंगा इस बार 1,00,000 डायरेक्ट, 1,00,000 का फिर से एडवांस आ गया। ये भी अलॉटमेंट का एडवांस है लेकिन ये थर्ड कैटेगरी का है, ठीक है। तो एंट्री शुरू करते हैं, और देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी बताया गया था जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन प्रिपेयर कैश बुक, हमें कैश बुक भी प्रिपेयर करनी है, मतलब जितनी भी बैंक की ट्रांजैक्शन होगी वो कहां पर चली जाएंगी, कैश बुक के अंदर। जर्नल में बनाने की जरूरत नहीं, कैश बुक तो बना ही रखा है, ठीक है। तो मैं रफली यहां पर साइड में छोटी सी कैश बुक खोल रहा हूं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो क्रेडिट की जरूरत ही नहीं, मैंने केवल कैश बुक के अंदर डेबिट कॉलम बना दिया ना, वैसे ही उसकी जरूरत पड़ेगी है नहीं, ठीक है। पर्टिकुलर्स रुपीस वो डालते रहना होगा, ठीक है। मेरा काम केवल यहीं पर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले एंट्री, तुम्हें मालूम है सबसे पहले एंट्री बनती है ऐप टू ऐप, ठीक है। सबसे पहले एंट्री जो बनती है हमारी ऐप टू ऐप बनती है, और वो बनती है, मैं लिखकर दिखा रहा हूं, वो बनती है ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये बनती है। लेकिन ये एंट्री अब जर्नल में ना करके कहां पे करनी पड़ेगी, कैश बुक के अंदर। तो देखो बैंक के डेबिट में जाके क्या लिखेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन, तो वही काम इधर करेंगे, कैश बुक के डेबिट में जाकर लिखो टू शेयर एप्लीकेशन। खुद ही सोचो, नॉर्मली हम बैंक अकाउंट लिखते हैं तो उसकी ट्रांजेक्शन कैश बुक में की जा सकती है, कैश और बैंक लगभग इक्वल होते हैं, तो उसकी ट्रांजेक्शन वहां पर कर सकते हैं। पहली एंट्री को हम जर्नल में ना करके वहां पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बुक खुली हुई है, जब कैश बुक है हमारे पास तो उसके लिए जर्नल क्यों बनाएंगे, ठीक है। जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक से जाएगी, तो ये जो पहली जर्नल है ये तो मैंने रफली लिख के दिखा दी है, नोट नहीं करनी है इसको, डायरेक्ट वहां पे पोस्ट करना है। तो देखो बैंक के डेबिट में जाके लिख दो टू शेयर एप्लीकेशन,
और पूरा रहना वैसे तो इक्विटी शेयर चल रहे हैं, मैंने बताया ही टू शेयर एप्लीकेशन, पैसे देख लेते कितने बनेंगे। तो मैं मालूम ये ऐप टू ऐप करते हैं तो 2,40,000 की 5 से, तो ये बन गया तुम्हारा 12 लाख। 12 लाख की एप्लीकेशन मनी आ गई, ठीक है, ये 12 लाख है, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, ये तो आ गई इसको रिसीव करने की मनी। अब मनी ड्यू करने की एंट्री बनाएंगे, और मनी ड्यू करना काफी आसान है। अभी अभी जो हमने शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर रखा था, अब हम उसको करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और तुम्हें मालूम होगा एक कॉलम आता है ऐसे नॉर्मली बैंक का, ठीक है, तो बैंक तो यहां पर कुछ है नहीं, ये वाला कॉलम आता है बैंक का, बैंक कुछ है ही नहीं, तो लिख दो सीधा टू शेयर अलॉटमेंट। फिर आता है टू शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम होता तो मैं प्रीमियम भी लिखता, टू शेयर कैपिटल। तो देखो एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन पर कितने आए हुए हैं, अभी अभी जो ऊपर एंट्री करके आए ना उसी अमाउंट को यहां पर लिख दे रहे हैं, एप्लीकेशन पर आए 12 लाख। हाँ, अब अलॉटमेंट पर, ये अलॉटमेंट का पैसा है सारा, तो सब कुछ जोड़कर आता है, तो देखो 1 लाख सेकंड कैटेगरी का और 1 लाख थर्ड कैटेगरी का, तो टोटल अलॉटमेंट का पैसा आया हुआ है 2 लाख, ठीक है। और टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हमेशा ध्यान रखना, जब भी शेयर कैपिटल की बात होती है तो एक्चुअल को देखते हैं, तो शेयर की मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से, तो देखो ये बन जाएगा तुम्हारा 10 लाख, बराबर आ रहा है ना, बराबर ही आना चाहिए, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाती है, इसे नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, अब बारी आ गई अलॉटमेंट की, पहले अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, तो देखो अलॉटमेंट को ड्यू करना काफी आसान है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो डालो हैगा प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखो शेयर अलॉटमेंट, इसके नाम से ही पता चल रहा है शेयर की मल्टीप्लाई देनी है अलॉटमेंट से, तो देखो शेयर थे 2 लाख और अलॉटमेंट पर मांगे 4, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 8 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख पर 2 रुपए के हिसाब से 4 लाख का प्रीमियम, और 2 के हिसाब से शेयर कैपिटल बनता है एक्चुअल, तो देखो एक्चुअल होता है ऊपर वाला पार्ट हमेशा, 2 रुपए के हिसाब से 2 का 4 लाख। अब हम इसकी मनी को रिसीव करेंगे, और ध्यान से करना है क्योंकि कुछ एडवांस का पैसा भी आया हुआ है, और दूसरी चीज दो फेलियर भी है, ठीक है, तो एक्चुअल निकालने की जरूरत पड़ेगी ना, और प्रीमियम भी है, तो बड़ा हिसाब से करना, बड़ा जबरदस्त काम है, एक तो एडवांस का पैसा भी आया हुआ है, फेलियर भी है, और इस पर प्रीमियम भी है, तो एक्चुअल भी निकालेंगे, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना है, और ये भी देखेंगे प्रीमियम रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं वर्किंग नोट को प्रॉपरली करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अलॉटमेंट की ही बस है ही है, बाकी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल तो हो ही जाएगी, अलॉटमेंट का ही थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो वर्किंग नोट को प्रॉपरली अब यहाँ पर करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले वर्किंग नोट में डाल दो अलॉटमेंट, सबसे पहले उसका ड्यू का पैसा, तो देखो ड्यू अभी अभी कर रहा था, अलॉटमेंट का ड्यू बना हुआ है 8 लाख। सबसे पहला काम तो यही करना है कि एडवांस माइनस कर दो, लेस एडवांस, तो देखो एडवांस के पैसे आए हुए हैं 1 लाख और 1 लाख, तो टोटल एडवांस के पैसे कितने आए हुए हैं 2 लाख, तो बैलेंस रह गया 6 लाख। अब देखते हैं क्या कोई फेलियर तो नहीं है, है फेलियर, वो भी दो दो फेलियर, लिखो लेस फेलियर ए और बी, लेकिन ध्यान रखना ए हमारा फर्स्ट कैटेगरी का है, क्या कोई फर्स्ट कैटेगरी का एडवांस आया है,
फर्स्ट कैटेगरी का तो कोई एडवांस ही नहीं आया था। ध्यान से देखो, ए जो बंदा था वो हमारा फर्स्ट कैटेगरी का है, वन लिखा हुआ है, ये फर्स्ट कैटेगरी का है, और फर्स्ट कैटेगरी का कोई एडवांस ही नहीं आया। जब इसका कोई एडवांस ही नहीं आया तो इसका कोई चांस है कि इसने कुछ पैसा उसमें दिया होगा? कोई पैसा नहीं दिया होगा, ये जरूर अलग से फेलियर है। बिल्कुल कोई एडवांस का पैसा है ही नहीं फर्स्ट कैटेगरी का। फर्स्ट कैटेगरी का तो हिसाब पूरा हो गया था, तो फर्स्ट कैटेगरी का कोई एडवांस का पैसा नहीं आया हुआ है, तो इसमें तुम्हें एक्चुअल फेलियर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बस सीधा देखते हैं बनता कितना है इसका। देखो 1000 के हिसाब से 4 रुपए का ये बनता है 4000। ए का तो सीधा बन गया, लेकिन बी में थोड़ा सा ध्यान रखो। बी को 900 शेयर दिए गए थे और ये सेकंड कैटेगरी का है, और सेकंड कैटेगरी का कुछ पैसा एडवांस में पड़ा हुआ है, हो सकता है उस एडवांस में इसका कुछ रुपया शामिल हो, तो देखते हैं कितना शामिल है। अब देखते हैं एडवांस का क्या हिसाब है। देखो एडवांस का पैसा जो सेकंड कैटेगरी का है वो 1 लाख का एडवांस का पैसा है, और 1 लाख का एडवांस 60,000 शेयर पर मिला है। तुम देख सकते हो सेकंड कैटेगरी में 60,000 का एडवांस 1 लाख है, बोर्ड पे देखना, 60,000 का एडवांस 1 लाख टास्क में डाला हुआ था, तो एक शेयर का एडवांस इतना हो जाएगा, एक शेयर का एडवांस इतना हो जाएगा ना, 60,000 का एडवांस इतना, तो एक शेयर का एडवांस इतना। अब अगर एक शेयर का एडवांस इतना तो 900 का इतना, 900 से मल्टीप्लाई दे दी, काट दो कुछ चीज, 4 0 से ये गई, ठीक है, और 3 2 6, 3 3 9, 0, और 2 से ये गया, 2 5 10, 5 3 15, तो ये एक्चुअल फेलियर आता, सिर्फ देखना पड़ेगा माइनस करके। मतलब ये हो गया कि 900 शेयर्स का इतना पैसा आया हुआ था, 1500, 1500 रुपए इस बेचारे के आए थे। हम खाने का इसको पूरा गुनहगार बता रहे थे, ये पूरा गुनहगार नहीं है, ठीक है। देखते हैं इसका बनता कितना है, तो नंबर 2 में डाल देना बी एक्चुअल फेलियर। तो देखो बी का ड्यू था इतना, 900 के हिसाब से 4 का बनता है 3600, 900 के हिसाब से 4 का बनता है 3600। लिखो लेस एडवांस, इस बंदे ने एडवांस दिया था और अभी निकला था ना एडवांस, 1500 का एडवांस निकला था, 0 0 6 में से 5 1, 3 में से 1 2, 2100, ये फेलियर रहा था सिर्फ 2100 से। 1500 रुपये इस बंदे ने उन शेयर्स में दे रखे थे, उस एडवांस में दे रखे थे, तो 1500 से फेलियर नहीं था ना 3600 से, फेलियर था ये 2100 से, तो ये माइनस किया जाएगा। अब देखते हैं हिसाब कितना बन रहा है, 8 100 माइनस करने 6 लाख में से, तो तुम्हारा 5,91,900, सॉरी 6 माइनस कर दे तुम्हारा 94, 93, 93,900 ये बनेगा। चेक कर लेते अगर आंसर है तो, हाँ 593,900 की अलॉटमेंट रिसीव की गई है, आंसर दे रखा है, ये अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया गया है। तो जर्नली बनाएंगे इसकी एंट्री, हम सीधा किस में डालेंगे, कैश बुक में, तो लिख दो टू शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए आए, 593,900, 593,900, ठीक है, तो ये अलॉटमेंट का पैसा था जो हमने रिसीव कर लिया है। अब हम ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल को, तो फर्स्ट कॉल बनाते हैं, पहले ड्यू कर देते हैं फर्स्ट कॉल को। ड्यू करने का तरीका, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो देखो फर्स्ट कॉल को ड्यू, शेयर की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल से, 2 लाख शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से बन गया 4 लाख, ये बन गया तुम्हारा 4 लाख का, 4 लाख का शेयर कैपिटल। अब इसका पैसा रिसीव करेंगे, ठीक है, तो देखो 4 लाख रुपए ड्यू हैं इसके। फर्स्ट कॉल को वर्किंग नोट में डालना, नंबर 3 डाल दो और डाल देना फर्स्ट कॉल, पहले लिखो इसका ड्यू, देखो ड्यू है 4 लाख, एडवांस इसका कुछ है नहीं तो मैं लिख ही नहीं रहा। लेस फेलियर, फेलियर देखते हैं अगर कोई है, हाँ फेलियर है,
तीन तीन फेलियर है, लेकिन हाँ इन पर तुम्हें एक्चुअल की टेंशन नहीं है, तीनों का धड़ाधड़ निकाल दो बस। ए बी सी देखो कैसे बनेगा, 1000 पर 2 के हिसाब से 2000, 900 पर 2 के हिसाब से 1800, 1200 पर 2 के हिसाब से 2400, है ना। इसमें फेलियर की टेंशन नहीं रहती है, एक्चुअल फेलियर की। सॉरी, तो ये तुम्हारा बन गया 8 4 12 का 2, हाँ सिर्फ 1 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6200 हमें माइनस करने, तो 393 800, 393 800 चेक कर लेते अगर आंसर है तो क्या नाम है तुम्हारा फर्स्ट कॉल का, नहीं फर्स्ट कॉल का हिसाब ही बता रहा है, कोई बात नहीं, 393 800 आया है। तो इसका पैसा रिसीव करने की एंट्री भी कैश बुक के अंदर ही करेंगे, तो लिख दो टू शेयर फर्स्ट कॉल, और कितने रिसीव करें 393 800, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ने से पहले एक लाइन आ रही है बीच में, लाइन बीच में ऊपर से, इसका मतलब ये फॉरफिट किया गया है, तो दोनों के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया है, तो सेपरेट ही करेंगे, पहले ए के शेयर्स को फॉरफिट करेंगे फिर बी के शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, और थोड़ा सा ध्यान से करेंगे ये काम वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले ए के शेयर को फॉरफिट कर रहा हूं मैं। अच्छा देखो, ए के शेयर को फॉरफिट करने का मतलब है ए के कितने शेयर पे 1000, ए बंदे को भी फॉरफिट करना है बी को भी फॉरफिट करना है। ए था तुम्हारा 1000 का, लाइन से ऊपर वाला सारा एक्चुअल 5 2 2 9 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो बना दो, फॉरफिट में उल्टा होता है, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, तो देखो 1000 शेयर का एक्चुअल 2 2 5, तो ये बन गया तुम्हारा 9000, ठीक। अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है तो पहले चेक करेंगे कैश ने प्रीमियम रिसीव करा है या नहीं करा है, अगर नहीं करा है तो दोबारा लेंगे, वो भी सारे का सारा लेंगे, ठीक है। अगर कर लिया है तो कोई बात ही नहीं है। तो वर्किंग नोट में आ जाना, वर्किंग नोट में 4 पॉइंट लिखना, और लिखना प्रीमियम ए, ए का प्रीमियम चेक कर रहे हैं, पहले देखते हैं ड्यू कितना था इसका प्रीमियम। तो देखो 1000 शेयर के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से इसका प्रीमियम बनता है 2000। देखते हैं ए ने कुछ पैसा दे रखा था, ए का तो कुछ एडवांस ही नहीं आया था, क्योंकि देखो ए था फर्स्ट कैटेगरी का, और फर्स्ट कैटेगरी का कोई एडवांस ही नहीं आया है, तो प्रीमियम तो छोड़ो इसने अलॉटमेंट भी नहीं दी है, ठीक है, तो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। और तुम्हें मालूम ही है जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो लिख देना पहले प्रीमियम इज नॉट रिसीव, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है तो जनरल एंट्री में दोबारा ले लिए, ठीक। तो लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितने का बनता है इसका प्रीमियम 1000 के हिसाब से 2 का, 2000 प्रीमियम इसका बनता है, ठीक है। अब देखते हैं कहां कहां पे ये फेलियर आता, तो देखो अलॉटमेंट पर भी लाइन लटकी हुई है, फर्स्ट कॉल पर भी लाइन लटकी हुई है, तो पहले लिख दो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो देखो शेयर अलॉटमेंट पर ही कितने से फेलियर था, अलॉटमेंट के वर्किंग नोट में जाकर देख लो कि कितने से ये फेलियर लिखा हुआ है वहां पर, ठीक है। तो वर्किंग नोट में तुमने देखा होगा ये पूरे 4000 से फेलियर है मेरे ख्याल से, है ना, 4000 से फेलियर है वहां पे, ये आ गया। अब लिखना टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पर ये बना रखा है, फर्स्ट कॉल पर ये 2000 से फेलियर है, फर्स्ट कॉल पर ये 2000 से फेलियर है। अब लिखो टू शेयर फॉरफीचर का मतलब है कितना पैसा इसका आया है, ठीक है। तो देखते हैं फॉरफीचर अमाउंट में, पर भी नोट में डाल देना नंबर 5, लिखना फॉरफिटेड अमाउंट ए का, तो देखते हैं एप्लीकेशन पर इस बंदे ने कितने दिए हैं, एप्लीकेशन पर 5 के हिसाब से इसने दिए होंगे 5000, और बताओ अलॉटमेंट पर इसने कुछ दिए हैं ना, तो इस बंदे ने प्रीमियम दिया ना, इसकी कैटेगरी का कोई एडवांस आया हुआ था, कुछ नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल की तो बात ही छोड़ो, सिर्फ 5000 ही आए इसके, और 5000 ही चाहिए वैसे भी हमें, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा देगी गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो बराबर 8 9 2 11, 4 2 6 और 5 11, 11 11, ठीक है। तो ये हमने कर दिया ए को फॉरफिट,
और अभी बी को फॉरफिट करना बाकी है, तो बी को फॉरफिट करते हैं पहले। तो बी को फॉरफिट करने के लिए मैं फिर से वही बोलूंगा, शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे डेबिट। तो देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और लाइन से ऊपर वाला सारा एक्चुअल, देखो लाइन से ऊपर वाला सारा एक्चुअल, दो और दो चार और पांच नौ, नौ रुपए के हिसाब से बी टू, दूसरा बंदा था 900 शेयर का, देखो बी को अलॉट किए गए थे 900 शेयर उसके फॉरफिट करने, तो 900 के हिसाब से 9 रुपए का बनेगा तुम्हारा 8100, ठीक है 8100 इसका शेयर कैपिटल। अच्छा इसका इसका भी प्रीमियम हमें देखना पड़ेगा, देखते इसका प्रीमियम बनता कितना है। नंबर 6 में लिखना प्रीमियम बी, पहले ड्यू देख लेते हैं। तो देखो 900 रुपए के हिसाब से 2 रुपए का प्रीमियम, ये बनता है 1800। हाँ इसका तो कुछ एडवांस आया हुआ था, लिख देना लेस एडवांस। वर्किंग नोट में चेक करके बताओ, जब तुमने बी का एक्चुअल फेलियर निकाला होगा वहां पे लिखा होगा लेस एडवांस, तो इसका कुछ एडवांस का पैसा आया हुआ था, और वो देखकर बताना मुझे कि कितना एडवांस का पैसा इसका आया हुआ था। शायद इसके वहां पर 1500 आए हुए थे जहां तक मुझे याद है ना, 1500 आए हुए थे। तो देखो 1500 ही रिसीव हुए हैं, क्या प्रीमियम पूरा आ गया? नहीं आया, थोड़ा सा भी प्रीमियम बाकी होता है तो दोबारा लेंगे। तो लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, तो पूरा लेंगे 2 रुपए के हिसाब से इसका बनता है 1800। अब देखते हैं जहां पे फेलियर था, तो देखो शेयर अलॉटमेंट पर था, अलॉटमेंट के वर्किंग नोट में जाकर देखो ये एक्चुअल फेलियर कितने से रहा था वहां पर। कितना पैसा इसका आया है शेयर फॉर फ्यूचर, तो देखो कितना पैसा आया देखते हैं। 7 में लिख देना फॉरफिटेड अमाउंट बी का, तो देखो एप्लीकेशन तो इसने भी दी है, 5 रुपए के हिसाब से 900 शेयर की एप्लीकेशन बनेगी 4500, अलॉटमेंट पर भी कुछ पैसे देंगे ऊपर लिखे हुए 1500, फर्स्ट कॉल नहीं दी 000 और तुम्हारा 5 6 6000, देखते हैं बराबर बैठा है या नहीं। 2 और 1 3 6 9 9 900, ठीक है इक्वल है, डेबिट और क्रेडिट बराबर है, ये तुम्हारा बराबर है। अब हम फाइनल कॉल बनाएंगे, और फाइनल कॉल के बाद जो सी है सी को भी क्या कर देंगे फॉरफिट। तो ध्यान से देखना, हमने अभी तक दो बंदों के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है, दो बंदों के शेयर्स को हमने जब्त कर लिया है, अब हमारे पास शेयर उतने रहे नहीं है क्योंकि वो फॉरफिट कर लिए गए। देखो सबसे पहले मैंने ए के 1000 शेयर फॉरफिट करे, बी के 900 शेयर फॉरफिट करे, तो मेरे पास टोटल शेयर मैंने कितने फॉरफिट कर दिए 1900। पहले मेरे पास 200,000 शेयर थे, पहले मेरे पास कितने शेयर्स थे 200,000, लेकिन इतने फॉरफिट कर लिए गए हैं। जब कोई शेयर हम फॉरफिट कर देते हैं ना बीच में, क्या तो यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर कहीं पे भी, तो उनको माइनस कर दिया जाता है रिमेनिंग शेयर्स में से, ठीक है। तो देखो 1900 हटा दो 001 और 9 में से 18 198 100, अब जो मेरे पास शेयर बचे हैं ना वो 200,000 की बजाय कितने बचे हैं मेरे पास 1,98,100, जो भी आगे की कैलकुलेशन चलेगी वो किसके बेस पर चलेगी, अब इस वाले टर्म के बेस पर, ना कि इसको, इसको तो भूल ही जाओ थोड़ी देर के लिए, अब इसका क्वेश्चन में कोई काम नहीं है आगे के क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमें काम करना है इससे, तो जब भी बीच में एक लाइन आ जाती है तो ध्यान रखना बीच में लाइन का मतलब है वो शेयर हमें माइनस करने पड़ेंगे। अब फाइनल कॉल बना लेते हैं, तो देखो फाइनल कॉल को पहले ड्यू कर लेते हैं, ड्यू करना काफी आसान है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो देखो फाइनल कॉल 1 रुपए की है और बनेगी इसके हिसाब से, तो देखो एक की सेम करेंगे मल्टीप्लाई वही आ जाएगा 198 100 198
100, ठीक है। अब हम इसका पैसा रिसीव करते हैं, तो पहले वर्किंग नोट में आ जाना, 8th नंबर पर डाल देना फाइनल कॉल। पहले ड्यू बना दो, देखो इसका ड्यू है 198,100, फिर लिखना लेस, एडवांस तो है नहीं इसका कुछ, मैं सीधा फेलियर लिख रहा हूँ क्योंकि फेलियर है, एक ही बंदा फेलियर है 1200, लेकिन थर्ड कैटेगरी का है और यहाँ पर कैटेगरी का कोई मुद्दा है नहीं क्योंकि अलॉटमेंट का एडवांस होता है, तो 1200 के हिसाब से 1200 ही बन गया इसका। 0 0 11 में से 2 9, 7 में से 1 6 और 9, 196,200 कितने रुपए रिसीव हुए हैं, 196,200। तो यहां पर डाल देना टू शेयर फाइनल कॉल 196,200, ठीक है। अब हमें इसके शेयर को भी फॉरफिट कर देना है, तो इसके शेयर को ध्यान से फॉरफिट कर देना और एंड में रीइशू की एंट्री कर देना, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा।